दिनांक 28/3/24 को माल सलामी थाना को एक सूचना मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। मलसलामी थाना क्षेत्र के बौरीदास की भट्टी में चोरी होती है। शटर तोड़कर चोरों ने कीमती कह सकते हैं कि कपड़े की दुकान में साड़ी हो या और भी कीमती सामान को चोरी कर लेते हैं। इस पूरे मामले में अगर देखिएगा तो नए अनुमंडल आरक्षी पुलिस पदाधिकारी खंड 2 के निर्देशानुसार एक टीम को गठित की है। महज कुछ घंटों में दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक चोर में नाबालिग है और दूसरा काफ़ी शातिर है, उनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस पूरे मामले में आज अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कर उनकी बात को पहले सुनते हैं। क्या मामला है सर? देखिए, कल दिनांक 28/3/24 को माल सलामी थाना को एक सूचना मिली कि बबलू वस्त्रालय से कुछ अज्ञात चोर कुछ कपड़े जो हैं उन्होंने चोरी किया है, और जिसका वर्थ उन्होंने बताया जो मूल्य था वो तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये था। और ये सूचना जो माल सलामी थाना को तकरीबन 5 बजे के आसपास मिली, और कांड की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, और इस टीम में पुअनी सह थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे, और इसके साथ साथ सहनी संजय कुमार थे, और मनोहर कुमार, दीपक कुमार, संतोष कुमार, संतोष कुमार यादव, सुजीत कुमार, सुशील कुमार और गौतम कुमार, ये सारे सिपाही थे इसमें। और त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोग को गिरफ्तार किया गया है। एक छोटू कुमार उर्फ ठेठा, उम्र करीब 20 वर्ष, और दूसरा जो है वो विधि विरुद्ध बालक है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और 6 घंटे के अंदर इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया और बरामदगी जो है सुनिश्चित कराई गई। ठेठा के घर जो है, जो पहला हमारा अभियुक्त है जो मेन, उसके घर से ये बरामदगी की गई है। और जो बरामदगी सामान है उसकी विवरणी इस प्रकार से है: बनारसी साड़ी 4, गंजी 2, पैंट कपड़ा 2, गमछा 2, अंडरवियर 1, शर्ट 2, जीन्स पैंट 1, कॉटन हाफ पैंट खाकी 4, फ्रॉक सूट पीस 1 और टी शर्ट 2। तो ये जो है बरामदगी सुनिश्चित की है 6 घंटे के अंदर। देखिए, इसका आपराधिक इतिहास भी है ठेठा का, छोटू का, जो कि माल सलामी थाना और बाईपास थाना में है। एक जो इसका आपराधिक इतिहास है वो लिकर से रिलेटेड है, शराब से रिलेटेड है, और दूसरा जो आपराधिक इतिहास है ये वाहन चोरी में भी जो है पहले जेल जा चुका है। इसके साथ में और कोई बरामदगी हुई है, हथियार वगैरह? नहीं, अभी जो है अभी अनुसंधान जारी है और इसमें पता लगाया जा रहा है कि इसके और साथी और सगे संबंधी कौन है। तो वहाँ पर पुलिस जो है जो लगातार छापेमारी कर रही है, और जैसे ही अगर कुछ और भी बरामद होता है इस केस में मीडिया को साझा किया जाएगा। ये घटना में दो ही थे कि और भी थे? जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो है प्रथम दृष्टा दो लोग जो है उन संलिप्तता सामने आई है, और अभी इनके जो भी है टेक्निकल एविडेंस भी निकाला जा रहा है, और देखा जा रहा है कि जितने भी चोरियाँ जो है आसपास हुई हैं इसका और इसके गैंग का जो लोग अगर संलिप्त होंगे तो केस में जो है लाया जाएगा इन लोग को अनुसंधान के क्रम में। तो बहुत कम समय में और कुछ ही घंटों में चोरी का उद्भेदन कर लिया गया है, एक सफलता मिली है मरसलामी थाना क्षेत्र के गौरीदास के भट्टी के पास, और जो पीड़ित है वो काफ़ी राहत ले रहे हैं कि महज चंद घंटों में चोरों की शिनाख्त और गिरफ्तारी हुई है। SSR2 आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।